नमस्कार, ये देख सकते हैं इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये रविंद्र बांग्ला विद्यालय और ठीक उसके सामने जो ट्रैफिक पुलिस के खड़े होने की व्यवस्था, और ये ठीक मेरे सामने ये वीआईपी रोड का ये बिल्कुल रास्ता है और ये पुलिस लाइन जाती हुई ये सड़क है और ये जो जाती है ये सेक्रेटरीट की ओर। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए नज़ारा, ये ट्रैफिक इतने इस वक्त में रश है, गाड़ियों की कतार देखिए, और यहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। गाड़ी वाले एक दूसरे को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं इस वक्त में शायद, और रोशनी अगर एक दूसरे के आंखों में पड़ जाए तो उस रोशनी से वो उनकी आंखें चौंधिया सकती है, और इसके कारण से कई बार ये हादसे हो जाते हैं, सड़क दुर्घटना। और मैं इस वक्त ये बता भी रहा हूँ और साथ में ये सोच भी रहा हूँ कि फायदा क्या है कि ये सड़क पे, ये चौक में जहाँ इतनी गतिविधियाँ आवाजाही है, देखिए व्हीकल्स के, वाहनों के, यहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं जल रहा है। गाड़ियाँ अपने अपने भरोसे, अपने अपने लाइट पे, हेडलाइट के भरोसे चल रही है, जो जितना देख पा रहा है, समझ पा रहा है रास्ते को, वो वैसे चला रहा है वाहन को। लेकिन फायदा इसलिए भी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी की हालत तो आपको मालूम होगी कि जहाँ वो कंज्यूमर यानी कि मिनिमम सुविधाएं जो घरों में बिजली उपलब्ध करानी होती है, मुहैया करानी होती है, वो इस वक्त में नाकाम है करने में। तो अगर हम ये कह दें कि स्ट्रीट लाइट लगा दीजिए, हो सकता है कि उस ये क्षेत्र के लोगों के घर के करंट ही कट जाए, बिजली सप्लाई ही गुल हो जाए अगर ये जोर दिया जाएगा। और ये नज़ारा है, कम से कम ये आने वाले स्मार्ट सिटी का है, क्योंकि बाहर से जो भी आएंगे और जो इंटरनेशनल एयरलाइन से जो बड़े बड़े टूरिस्ट उतरेंगे, उनको ये दिखना चाहिए कि रात को जो है स्मार्ट सिटी श्री विजयपुरम, उसका दृश्य कैसा होता है, वो कैसा दिखता है। ठीक ऐसा ही नज़ारा है स्मार्ट सिटी का, और कहा है हमने कि ये कितना स्मार्ट बना रहे हैं सिटी को या सिटी के लोगों को, और सिटी के लोग अब अंधेरों में चलने के लिए स्मार्ट बन गए हैं। हालांकि एक्सीडेंट हो रही है, रफ्तार कोई कम नहीं हो रही है, और लोग बाग मज़ा लुत्फ ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट का भी, और प्रोजेक्ट से बनाए गए हैं, और ये जो देखभाल हो रही है तमाम जंक्शंस, प्रमुख जंक्शन जितने भी आप देखेंगे, वहाँ लाइटों की जो हालत है वो देखने लायक है। इस वक्त भी देखिए कतार से लंबी लंबी जो है व्हीकलों की रफ्तार और कतार, ये इस वक्त में समय जो है 7 बजने को है। अब देखना ये होगा ये स्मार्ट सिटी कितने वास्तविकता के धरातल पे ये स्मार्ट बन पाएगी। और मैं भूल गया था एक और सड़क, ये जो सीधे जंगली घाट की ओर जाती है, देख रहे हैं कुछ वाहन वो सीधे वहाँ से नीचे उतर रही है, जिला परिषद जो गेस्ट हाउस है उसके बाजू से, वो भी एक रास्ता है, सड़क है। और हालांकि यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है, मैं तब से देख रहा हूँ, मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वाहनों को नियंत्रित कर रहे हैं कि कोई ऐसे अप्रिय घटना या दुर्घटना यहाँ ना घट जाए। इसके लिए तारीफ करनी होगी कि अंधेरे में भी ट्रैफिक के जो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, जो एम्प्लॉई हैं और ड्यूटी पे जो तैनात है, वो बाकायदा लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, अंधेरों में भी ये नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस जगह पे, इस क्षेत्र में कोई लाइट, अब तो अंधेरा ही हो गया है पूरा पूर्ण रूप से, तो अब कोई लाइट यहाँ पे व्यवस्थित की जाएगी या इंस्टॉल किया जाएगा अथवा नहीं, हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।